हेलो फ्रेंड्स, ललिता हिंदी टेलरिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो लोग बिगनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी अभी टेलरिंग सीखना स्टार्ट किया है, जिन लोगों को बाइबिंग में धागा भरना नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बाइबिंग में धागा कैसे भरते हैं ये सीखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है हेल्पफुल बहुत होगी बिगनर्स के लिए, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है बाइबिंग, आप देख सकते हो इसमें मैंने पहले से धागा भरा हुआ था, पर मैं आपको फिर से धागा भरना बता देती हूँ। इसको हम पहले इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और फिर ये धागा को इस तरह से अपनी तरफ लेंगे और फ्रेंड्स ऐसे इसको रखना है और इसे अंगूठे से दबा लेना है इस तरह से। फिर इसके बाद इसे जो है इस तरह दो तीन बार हमें राउंड राउंड कर देना है, ताकि जो हमने धागे को दबाया है वो गिरे ना। फिर फ्रेंड्स ऐसे जब हम करेंगे तो ये जो धागा है ये नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा, पर हमें इसे नीचे की तरफ नहीं चाहिए। तो हमें इसे जो है इस बाइबिंग को इस तरह से राउंड करके इस तरह से करना है, ताकि ये जो धागा है ये हमारी तरफ हो जाए, इस तरह से हमारी तरफ हो जाए। ऊपर से आप देख सकते हैं, सामने से ऊपर से हमारी तरफ ये धागा आ रहा है, तो इस तरह धागे को पकड़ना है। फ्रेंड्स ये मेरी मशीन में है, बाइबिंग में धागा भरने वाला मेरी मशीन में बना हुआ है। फ्रेंड्स कई लोगों के मशीन में ये नहीं होता है, पर मेरी मशीन में ये है धागा भरने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको इससे धागा भरना पहले बता देती हूँ, क्योंकि कई मशीन में इस तरह से बना होता है धागा भरने के लिए बाइबिंग में। तो फ्रेंड्स मैं आज इसको सबसे पहले इससे बता देती हूँ कि धागा कैसे भरते हैं। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से नीचे रहता है, इसे हम इस तरह से ऊपर कर देंगे पहले, और फिर जो बाइबिंग में धागा अपनी तरफ ही रखना है, ध्यान में रहे इस तरह से, इस तरह से इसमें ऐसे फंसा देना है। और फ्रेंड्स इसको जो है इस तरह से फिर नीचे इसके अंदर प्रेस करके दबा देना, ताकि ये इसके अंदर सेट हो जाए इसके ऊपर। फिर इस फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये प्रेस करने वाला है, जब हम मशीन को चलाएँगे तो इसे प्रेस करेंगे तो इसमें धागा अपने आप भरते रहेगा, आप देख सकते हो। देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा धागा जो है बाइबिंग में चंद मिनटों में ही भरने लगा है, बहुत ही आसानी से इससे धागा भर जाता है। अब देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितनी जल्दी जल्दी हमारा धागा जो है भर रहा है मशीन में। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है एक बाइबिंग में धागा भरने का। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं हमारा धागा कितना सारा भर चुका है। और फ्रेंड्स ये हुआ एक तरीका, और एक तरीका मैं आप सबको और बता देती हूँ। अब हम जानेंगे दूसरा तरीका बाइबिंग में धागा भरने का। फ्रेंड्स ये जो धागा है, अगर आपके पास मशीन सिलाई मशीन में ये नहीं है धागा भरने के लिए, तो फ्रेंड्स आप ये धागा इस तरह से ले और इस तरह से रखे इस पर, और अंगूठे से इस तरह से इसे दबा दे, ताकि ये धागा जो हमारा यहाँ वहाँ ना हो, इस तरह से इस तरह से। फिर इसके बाद जो फ्रेंड्स इसे इसे राउंड राउंड करके फटाफट से इस तरफ धागा में भरना है। अब देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से धागा हमारे बाइबिंग में भर जाएगा इस तरह से। फिर फ्रेंड्स जब इस तरह हम इस तरफ हमारा धागा ज़्यादा भर जाए, तो बाइबिंग को इस तरफ घुमा लेना है, और इस तरफ घुमा के इस तरफ देखो खाली है, तो इस तरफ भी हमें इसी तरह से फटाफट फटाफट धागा भर लेना, ताकि हमारा बाइबिंग में हर तरफ धागा जो है अच्छी तरीके से बराबर भर जाए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कितनी जल्दी जल्दी भर रही हूँ। फ्रेंड्स अब हम दो तरीका जान चुके हैं बाइबिंग में धागा भरने का। तो फ्रेंड्स अब मैं तीसरा तरीका आपको बताऊंगी बाइबिंग में धागा भरने के लिए। फ्रेंड्स अगर हमारे मशीन में ये भी ना हो, ये ना हो और बाइबिंग में धागा भरने के लिए, और आपको अगर हाथ से भरने में प्रॉब्लम होती हो, कई लोग फटाफट नहीं भर पाते हैं, जल्दी जल्दी से नहीं भर पाते हैं, उन्हें बहुत काफ़ी टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स एक तरीका मैं आप सबको और बता देती हूँ। ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हमारे पास इन दोनों में से एक भी ऑप्शन ना हो बाइबिंग में धागा भरने के लिए, तो ये जो मैं आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये जो है पेचकस है, मैंने इतना छोटा वाला पेचकस लिया है।
अगर आप चाहे तो एक इतना इतने बड़े साइज का एक जो कील होती है वो भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने ये पेचकस लिया है छोटा, ये मार्केट में आराम से 10 रुपये में मिल जाता है। तो आप इस तरह से पेचकस भी ले सकते हो या फिर इतने साइज़ का जो कील होता है वो भी आप ले सकते हो, जो इस वाले जगह पर आराम से फिट हो जाए उसी साइज़ का आपको कील लेना है या फिर उसी साइज़ का आपको पेचकस लेना है। आप देख सकते हैं ढीला हो टाइट ना हो इसके अंदर, आप देख सकते हो इस तरह से हमें इसके अंदर ऐसे सेट करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर नहीं लगाना है सिलाई मशीन में, हमें इस जगह पर लगाना है ताकि यहाँ से भी भर जाता है पर यहाँ से हमें लगाने पे आराम से दिक्कत नहीं होगी, आराम से हमारा बाइबिंग में जो है धागा भर जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जब भी धागा भरे बाइबिंग में हमेशा ध्यान रखें कि जो ये धागा है सामने की तरफ से ऊपर की तरफ से हमारे सामने ही आए, इस तरह से ना पकड़े, किसी भी उल्टा तरीके से ना पकड़े, हमेशा जो है ये धागा हमारे सामने ही सामने की तरफ से आए, ये कोशिश करें ऊपर से सामने की तरफ हमारे आए ये धागा बाइबिंग में भरते वक्त हमेशा। तो फ्रेंड्स इससे इस धागा भरने के लिए सबसे पहले हमें मशीन चलाने की ज़रूरत है। इस तरह से जब हमारी मशीन चलने लगे तो हमें यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं आप फ्रेंड्स हमारा बाइबिंग में धागा बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी भर जा रहा है, एक सेकंड में 2 सेकंड में ही भर जाएगा हमारा बाइबिंग में धागा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बाइबिंग में जो है धागा भर चुका है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मेरा वीडियो है पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स हमें बाइबिंग में धागा जो है इतना लंबा छोड़ना है, इतना लंबा आप देख सकते हो। फिर इसके बाद इसे हमें इस तरह से पकड़ना है, फिर ये जो बाइबिंग है ये वाला गैप इसमें डालना है, इस तरीके से सेट करना है बाइबिंग में ये धागे का रील। फिर इसके बाद जो ये धागा है यहाँ से इस तरह से लेके इस तरह से फंसा देना है इसके अंदर, इस वाले गैप में निकालना है इसे आराम से इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे बाइबिंग में से जो है धागे की रील जो है नहीं निकलेगी, और ये हमारा निशानी है कि हमारे बाइबिंग में जो है धागा बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है। आप देख सकते हो मैं इसे हिला भी रही हूँ, अब मैं आपको मशीन में बाइबिंग लगाना बताऊंगी। अब फ्रेंड्स हमें इसे जो है इस तरह से उठाना है, इस तरीके से खोलना है, और ध्यान रहे ये धागा इतना ही लंबा हमें छोड़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो है सिलाई मशीन के नीचे से इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये वाली डंडी जो है बनी हुई है इसको इस वाले होल में इसमें फंसाना है। और फ्रेंड्स ये जो है इसे इस तरह से उठा के ही डालना है हमें, एक दिखाती हूँ आप ध्यान से देखें, इस तरीके से इसे उठा लेना है इस तरीके से। फिर आप देख सकते हैं हमारी बाइबिंग जो है अब नहीं गिर रही है। अब मैं इसे हिला के भी दिखा देती हूँ, देख रहे हैं आप हमारी बाइबिंग जो है अच्छी तरीके से सिलाई मशीन में सेट हो चुकी है। अब हम इसे बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि कितनी आसानी से बाइबिंग में धागा भर सकते हैं। आपको मैंने 3 तरीका बताया है, उम्मीद करती हूँ ये 3ों तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।